नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है मिर्जापुर से। अपना दल कमेरावादी पार्टी की ओर से जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को पत्र सौंपा गया और 2 सूत्रीय मांग की गई, जिसमें पहला है पिछड़े दलित व मुसलमानों के मसीहा डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूसरा वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाए। इस दौरान विशिष्ट अतिथि सुरेश पटेल, एडवोकेट अर्जुन पटेल एवं मंडल अध्यक्ष रमाशंकर पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से नई वार्षिक की रिपोर्ट। ये 1999 में पीडी टंडन पार्क इलाहाबाद में, जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय डॉक्टर सोनेलाल पटेल के ऊपर, क्योंकि हमारा अपना दल बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा था, तो उस समय उनके ऊपर प्राण घातक हमला कराया गया, लाठी चार्ज हुआ, जिससे डॉक्टर साहब के शरीर जो है 14 भागों में उनकी हड्डियाँ टूट गई थी और उसकी हम लोग सीबीआई जांच मांग करने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग जिला अधिकारी महोदय के द्वारा हम महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और दूसरा हमारा मुद्दा है, मात्र 2 बिंदुओं का हमारा ज्ञापन है। दूसरा था, चूँकि अपना दल का ग्राफ बड़ा तेजी से बढ़ रहा है,